अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके सेशन का टाइम स्टार्ट हुआ जाता है। तो एज यू नो आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहमान। तो स्टूडेंट्स, आपकी CHFI कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। सो स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा लाउड बोलिएगा, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। समरीन अर्शद हियर, मैं बैच 5 की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले हमारे LMS पर जो है वो कोर्स कंटेंट चेंज था, अब आई थिंक 10 डेज हुए हैं तो कोर्स कंटेंट चेंज हो गया, ये क्या प्रॉब्लम है CHFI के LMS पर? एग्जैक्टली, कोर्स कंटेंट मेरी आवाज में है या किसी अदर इंस्ट्रक्टर की आवाज में? वो सर शकील की थी, अब 10 डेज हुए हैं। लाइक पहले हमने वो सारी वीडियोस देख ली थी और असाइनमेंट भी उसी की बेसिस पर हमने अटेम्प्ट करके दी है। अब 10 डेज में हम कैसे इतने मॉड्यूल्स जो है वो कवर कर सकते हैं, और अभी इसका प्रोजेक्ट भी आ गया सर, तो ये कोई LMS में प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है? ये LMS में प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली एज इट इज कोई भी कोर्स जब इनिशियलाइज होता है तो वो स्टार्टिंग के अंदर ऐसा होता है कि कोर्स की आपकी लर्निंग फेज चल रहा होता है, ठीक है। लर्निंग फेज के बाद आपका जो सेकेंड फेज है वो इस तरह से होता है कि आपके सेकंड फेज के अंदर आपने चीजों को कंप्लीट करना होता है। अभी कितने मॉड्यूल आपको शो हो रहे हैं और आपको प्रॉब्लम किस मॉड्यूल में हो रहा है? वी आर अवेलेबल टू आंसर ऑल योर प्रॉब्लम्स। सर पहले जो सर शकील की वॉइस में रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो 11 मॉड्यूल्स हो गए थे अपलोड, और मैंने सारे वॉच कर लिए थे। अब इसका प्रोजेक्ट भी अपलोड हो गया और प्रोजेक्ट 5 डेज में हमने कंप्लीट करके देना है, तो आपके जो अभी वीडियोस हैं उनके मॉड्यूल्स हम कैसे 5 डेज में रिकवर कर सकते हैं? ओके, तो मसला यहाँ पे आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि कोर्स कंटेंट ज्यादा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, ज्यादा से ये है कि सर टाइम कम है और कोर्स कंटेंट टोटली प्रीवियस कोर्स कंटेंट से चेंज है। सही हो गया। ठीक है, आई मीन टू से कि आपकी क्योंकि कोर्स कंटेंट के मैसिव होने से रिलेटेड है कि कोर्स कंटेंट आपको लग रहा है कि वो ज्यादा है। ठीक है, बेसिकली इंस्ट्रक्टर का काम होता है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, प्रोजेक्ट अपलोड हो चुका है। मैं ये कह रही हूँ कि प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो 10th of July है। यस, तो सर अभी हम आपकी जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड वो देखेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल डू द प्रोजेक्ट ना। तो हमारे पास टाइम कम है और हमारा जो टास्क है, टारगेट है, वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, आई नो, बेसिकली एज यू नो ऑन इंस्ट्रक्टर साइड, ठीक है, ये ऐसी कोई हैपनिंग नहीं होती कि इंस्ट्रक्टर जो है वो बेसिकली इस चीज को काउंटर करे या ना काउंटर करे। इंस्ट्रक्टर साइड से आपको बेसिकली लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड आई एम अवेलेबल टू आंसर योर क्यूरी रिलेटेड टू योर लेक्चर्स, ठीक है, रिलेटेड टू माई एक्सप्लेनेशन विच आई गिवन टू यू ऑन द वीडियोस, ठीक है। बाकी आपकी क्यूरी मैंने नोट डाउन कर लिया, आपकी क्यूरी इंशाल्लाह बेस्ट वे में हम सोल्व करवा देंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी है, कोर्स कंटेंट से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है, तो आप वो कर सकते हैं। सर वो तो अभी तक कंप्लीट वीडियोस देखी नहीं है तो क्यूरी कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो आप वीडियोस देखिए, ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी असाइन कर दिए गए हैं, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी आप जो है हमसे किसी भी किस्म की क्यूरी कर सकते हैं, हम वहां भी आपको आंसर करेंगे। और कौन सा ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा ग्रुप? अभी तक कोई ऐसे ग्रुप नहीं हुआ जिसमें मुझे ऐड किया गया हो। ओके, सर पहले ये आया था लेकिन बाद में ये जो था वो खत्म हो गया था। व्हाट्सएप ग्रुप की जो ऑफर थी वो खत्म हो गई थी, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बने, कुछ भी नहीं है। हम इंस्ट्रक्टर से किधर मतलब कोई क्यूरी कर सकते हैं? ओके डियर स्टूडेंट, आपकी जो क्यूरी है इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पोंड इन द बेस्ट वे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? वन बाय वन स्टूडेंट बोले, और जो स्टूडेंट अपना क्यूरी दे लेते हैं उसके बाद ना वो काइंडली माइक म्यूट कर दे। बिलाल अहमद एंड इजा नसीम, आप ना इजा नसीम काइंडली माइक म्यूट। हेलो सर, मेरा नाम है मुदस्सिर अली। जी मुदस्सिर अली, आपकी वॉइस पहले तो मुझे लो आ रही है, थोड़ा माइक करीब कर लें और बोले क्या क्यूरी आपकी। सर मैं अपनी ब्लूटूथ ये अभी आ रही है आपको आवाज? जी अब बेहतर है थोड़ी सी।
अच्छा सर, मैं बैच 4 से हूँ और मेरा भी सेम इशू है। मैंने प्रोजेक्ट भी फाइल कर दिया और असाइनमेंट भी प्रीवियस लेक्चर के जो वो अंगेज की हमने, और जो लेक्चर्स है अभी LMS पे वो अपडेट हो गए हैं हमारे सारे। वो ऑलरेडी मैं मुदसिर अली एज यू नो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ, ठीक है। एंड इंशाल्लाह ऑन PFPP साइड, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनल बिहेवियर देखने को मिलेगा, तो आपकी जो क्यूरी है उसको हम बेस्ट वे में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप बैच फोर जी सर, वो मैंने क्यूरी डाली थी हेल्प, मुझे ना वो रिसबमिट करना है या न्यू प्रोजेक्ट मुझे दिया जाए, जो अभी लेक्चर अपडेट हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वो मतलब उन्होंने कहा कि आप रिसबमिट कर सकते हो, कौन से पहले लेक्चर आपने ज्यादा कर दिया। इंफॉर्मेटिव हैं जो अब अपलोड हो रहे हैं? मुदस्सिर अली आप मुझे सुन सकते हैं? जी, तो आपके कोर्स कंटेंट और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्यूरी है उसको हम बेस्ट वे में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। एनी अदर स्टूडेंट, कोई क्यूरी किसी और स्टूडेंट की? हेलो, अस्सलाम सर वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, मोहम्मद ये पूछना नासिर। था कि जो एविडेंस होता है इसकी डाटा इंटीग्रिटी, अगर हम कोई एक एविडेंस कॉपी करते हैं दूसरी डिवाइस में, यानी कि 1 हार्ड ड्राइव टू 2 सेकंड हार्ड ड्राइव, तो उसका डाटा इंटीग्रिटी चेंज होती है या कोई नहीं? एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। बेसिकली डेटा का इंटीग्रेट होने का मतलब होता है कि डेटा जो है उसकी जो फॉर्म है, ठीक है, वो आपकी डिजायरेबल फॉर्म में आए, यानी कि इस फॉर्म में आए कि वो ऑथेंटिक फॉर्म रहे, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे हमें फोरेंसिक के सारे जो रूल्स हैं एंड रेगुलेशन हैं जो हमने प्रीवियस पढ़े हैं, ठीक है, वीडियोस के अंदर आपने स्टार्टिंग में पढ़े होंगे ना रूल्स एंड रेगुलेशन, तो बेसिकली उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अगर डाटा आपके पास आता है तो वो डाटा इंटीग्रेट है, ठीक है। अब जब आप डाटा का डिस्क इमेज बनाते हो या किसी भी फॉर्म में आप डाटा का बैकअप करते हो फॉर कलेक्टिंग एविडेंसेस, बिकॉज यू कैन नॉट परफॉर्म फोरेंसिक ऑन क्रूड एविडेंसेस। जो आपको क्रूड डाटा हासिल होता है आप उस पर एविडेंसेस नहीं ना निकाल सकते, आप उसकी एक कॉपी लेते हैं, ठीक है, जो बिट बाय बिट इमेज बनाते हैं, ठीक है, तो उससे आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डाटा मस्ट बी इंटीग्रेट। डाटा के हैशेज नहीं चेंज होने चाहिए, जस्ट वो एक वहां से एक फिजिकल इमेज है तो उससे एक वर्चुअल इमेज आ सकता है, या एक फिजिकल इमेज से फिजिकल डिस्क पे आप राइट कर सकते हैं डाटा। तो सर, ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम कोई डाटा कॉपी करते हैं तो उसका MD5 सेम MD5 हैश सेम रहे, लेकिन SHA चेंज हो जाए, तो डाटा इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा? MD5 सेम रहे लेकिन SHA हैश जो है वो चेंज हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी फॉर्म के अंदर जो डाटा है ना, उसके अंदर दो चीजें आ सकती हैं, या तो डाटा अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, ठीक है, अपने आप, लाइक सम टाइप ऑफ वायरसेस ऑन एग्जीक्यूशन टाइम चेंज देयर टाइप, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है, लेकिन ऑन एग्जीक्यूशन टाइम ये होता है, एग्जीक्यूशन से बिफोर बिहेवियरिज्म जो है वो आता नहीं है, अनटिल अनलेस के एक फाइल रन होती है, ठीक है। तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता कि एक फाइल का एक टाइप का हैश चेंज हो जाए और दूसरी टाइप का चेंज ना हो, ठीक है। तो MD5 चेंज होगा, SHA-1 भी चेंज होगा, ठीक है, लेकिन अगर एक बंदे ने MD5 को स्पूफ कर दिया, ठीक है, लाइक MD5 को स्पूफ करके सही कर दिया और SHA उसका चेंज आ रहा है, तो इट मीन्स भाई डाटा के अंदर गड़बड़ हुई है। सर, ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी दूसरे एविडेंस का SHA और MD5 हैश कॉपी करके किसी दूसरे जो है एविडेंस में लगा सकें? यस, दैट्स कॉल्ड हैश स्पूफिंग, ओके सर, थैंक यू। दैट्स पॉसिबल, दैट्स 100% पॉसिबल, और इसके बहुत सारे सोर्सेज आपको, अगर आप एक JPG के हैशेस चेंज करना चाह रहे हैं, यू मे फाइंड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड रिसोर्स हैकर, ठीक है, इजीली गूगल पे आपको मिल सकता है, आप गूगल पे टाइप करेंगे जस्ट वहां जाके रिसोर्स हैकर, और उस सॉफ्टवेयर से आप सिंपली हैशेस चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी फाइल्स के हैशेस को स्पूफ करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ठीक
ठीक है, बेसिकली मेन जो चीज होती है वो टूल्स सीखना नहीं, टेक्निक सीखना होती है, ठीक है। जैसे एक नट को आप ओपन करना चाह रहे हैं, वो चाबी से भी ओपन हो जाता है, प्लास से भी ओपन हो जाता है, ठीक है। तो मेन चीज तो ये है कि नट को ओपन करने की टेक्निक क्या है, ठीक है। तो बेसिक टेक्निक का नेम है ये हैश प्रूफिंग। तो आप अगर हैश प्रूफ कर देते हैं, हैश प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। सर, और सर अगर हमने यानी कि किसी उसका यूएसबी का यानी कि बैकअप निकालना है, यानी कि रिकवरी इमेज में लाना है ऑटो स्पाई के थ्रू, अच्छा, तो बाय यूजिंग विंडोज और लिनक्स? सर विंडोज के थ्रू, विंडोज जो हमने आपको प्रोवाइड किया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने उसका बैकअप हमें नहीं चाहिए, मैंने जैसे यूएसबी में पहले मैंने काली लिनक्स इंस्टॉल की हुई थी, तो अब मैं उसे फॉर्मेट करता हूँ, मैं उसमें कोई दूसरा डाटा डालता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं जो सिर्फ दूसरा डाटा डाला है मैं उसको डिलीट करके रिकवर करने की कोशिश करूं ऑटो स्पाई के थ्रू, लेकिन एवरी टाइम फॉर्मेट या किसी भी चीज के थ्रू मुझे काली लिनक्स का डाटा जो फिर वापस मिल रहा है, जो रिसेंटली किया वो भी मिल रहा है लेकिन काली लिनक्स वाला ही मिल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो काली लिनक्स वाला डाटा वो कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाए, तो कम्प्लीटली फॉर्मेट हो जाए। इफ यू वांट टू फॉर्मेट अ डाटा, देयर इज अ थिंग कॉल्ड लो लेवल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आप उसको लो लेवल पे फॉर्मेट करते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं कि डाटा जो है वो अपने सेक्टर से रिमूव हो जाए, ठीक है। लेकिन सिंपल फॉर्मेट होता उससे तो कुछ नहीं हो रहा। आई वांट टू कोट समथिंग देयर, डाटा नेवर बीन डिस्ट्रॉयड, डाटा ऑलवेज बीन डिलीटेड। सर आप तो बता रहे हैं कि ये तो सर अगर हम कोई यानी कि 3 से 4 दफा अगर यूएसबी में एक चीजें कॉपी करते हैं और फिर फॉर्मेट करते हैं, यानी कि हमने 4 दफा यूएसबी फॉर्मेट कर दी कंप्लीट जो है ना उसके बाद वो डाटा के बाद। अच्छा बेटा, देखो डाटा, वो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। डाटा बेसिकली आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है वो आपको बताया ना कि कैसे स्टोर होता है, ठीक है, कैसे क्लस्टर्स बनते हैं। अब वो डाटा जिन जिन जगह पे राइट होता जाता है ना, ठीक है, वो बेसिकली जो डाटा रिकवरी आपकी होती है वो उन सेक्टर से हो रही होती है। उसका ये मैटर नहीं करता आपने 6 बार उसमें डाटा राइट कर दिया या 10 बार राइट करके फॉर्मेट कर दिया या कुछ भी कर दिया, ठीक है, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि सेक्टर में जो जो उसे मिलेगा उठा के साइट पे लगा देगा। और एटोप्सी के बाद और भी दूसरे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं जो रिकवरी के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो रिकवरी जितनी स्लो मूड पे आप करेंगे उतनी ज्यादा रिकवरी आपके पास, ज्यादा रिकवरी आने के चांसेस हैं। इवन यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है वो एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा कि एक 2 GB का मेमोरी कार्ड है, ठीक है, तो उससे 8 GB डाटा रिकवर हो जाता है। अब वो 8 GB कौन सा डाटा होता है, वो जो पहले का, उससे पहले का, आपका ये वो, ठीक है, ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? नहीं, आपने मेरे ठीक कहने पे ठीक नहीं रहना ब्रदर। कोई भी स्टूडेंट है, अंटिल अनलेस आप सेटिस्फाई ना हो, आई एम अवेलेबल टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर एलएमएस पे जो अभी अपडेट हुए हैं जितने भी लेक्चर्स हैं, उन्हें मैक और लिनक्स की फ्रेंसिक नहीं है। मैक और लिनक्स के फ्रेंसिक के कोई भी लेक्चर नहीं है बेटा। बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, ठीक है, एक वो चीज जिसको आप जानते हैं, आप विंडोज को बहुत अच्छे से जानते हैं आप सब लोग, ठीक है, और बेसिक चीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर जो लिनक्स का है वो और है, विंडोज का और है, ठीक है। लेकिन जब आप फोरेंसिक परस्पेक्टिव से उसको देखते हैं, आपने देखना क्या है, आपने सेम अगर लिनक्स में देख रहे हैं तो आपको लिनक्स के लॉग्स चाहिए, अगर आप विंडोज में देख रहे हैं तो विंडोज के लॉग्स चाहिए, अगर आपने शेडो फाइल्स देखनी है लिनक्स की, दूसरी साइड पे आपने जो है वो सैम हैशेस को देखना है, तो डेट्स मैटर, ठीक है। तो कुछ चीजें आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर होती हैं। आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अगर आप इसी के ऊपर आपकी रिसर्च होती तो इंशाल्लाह यू विल बी मोर सेटिस्फाइड। फोरेंसिक का जो मेथड यूज होना है, जो मेथडोलॉजी है, वो सेम है। अच्छा सर, अगर आप कर सके हमारे लिए तो किसी लिनक्स के सर्वर की हमें फोरेंसिक करना सिखा दें। ब्रदर लिनक्स का देखें, लिनक्स बेसिकली चल किस पे रही है, स्टोरेज डिवाइस पे चल रही है ना जी, कोई भी स्टोरेज डिवाइस है ना जी जी। वी आर नॉट परफॉर्मिंग फोरेंसिक फॉर विंडोज, वी आर परफॉर्मिंग एनालिसिस फॉर स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है।
अब वहां मैटर करता है कि वो स्टोरेज डिवाइस किस स्ट्रक्चर से आई है। अब आप तो लिनक्स और मैक की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हम अदर क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर देते हैं, हम कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की बात कर देते हैं, हम एंड्रॉयड को भी छोड़ते हैं, हम जो है ये काई ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर देते हैं, हमारे पास लॉट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, तो हम किस किस तक जाएंगे? तो मेथडोलॉजी को हम काउंटर करेंगे, उसके ऊपर हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, और वहां पे आपको अगर किसी भी किस्म का इशू आता है, आई एम अवेलेबल। ओके सर, ठीक है। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाह रहे हैं कि मैं लिनक्स के अलग बना दूं, यूनिक्स के अलग बना दूं, ठीक है, उसके बाद मैक के अलग बना दूं, तो वो आप खुद ही देखें ना कि हम एक कोर्स कंटेंट के अंदर हमने एक चीज को पूरा करना है, ठीक है। तो अगर हम इस तरह डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जानिब मूव ऑन करते जाएंगे तो वो तो लेक्चर होल लाइफ के लिए भी खत्म नहीं होंगे सर। लेकिन हमने विंडोज पे सारी हैंड्स ऑन किया है ना, उस पे टूल्स यूज किए हैं बेटा, हमने लिनक्स पे भी यूज किए हैं जहाँ पे हमें बिट बाय बिट इमेज बनाने की जरूरत थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे फिजिकल डिवाइसेस भी डिस्कस की हुई हैं, जो फिजिकल डिवाइसेस यूज होती हैं फोरेंसिक के अंदर, वो हमने उसके अंदर दिखाई भी हुई हैं। अगर आप इससे आगे बढ़ना चाह रहे हो मुझे खुशी होगी, अगर कोई भी मेरा स्टूडेंट किसी भी प्रो लेवल का काम करता है आप जस्ट मुझे क्यूरी करें, आई एम अवेलेबल टू आंसर। सर LMS पे क्यूरी करनी है या WhatsApp पे? अगर आप WhatsApp ग्रुप में या WhatsApp पे क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है, भी बनानी है। अदरवाइज वी ऑर्गेनाइज सेशन फॉर यू, ठीक है, तो आपके जो सेशंस होंगे आप उनमें क्यूरी करें, वी आर अवेलेबल टू आंसर। अच्छा सर, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा कब तक बन जाएगा? मैं बैच 4 से ब्रदर, व्हाट्सएप ग्रुप या ये चीजें होती हैं मैनेजमेंट साइड पे, ठीक है। राइट नाउ आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑन द सेशन, और मैं अवेलेबल होता रहूंगा आपके लिए सेशंस पे, ठीक है। ठीक है सर, और सर हमारा तो बैच खत्म हो गया हुआ है, एंड हो गया हुआ है, तो हमें भी उसके सेशन के मैसेज आएंगे हर दफा? तो अगर आपका सेशन खत्म हो गया तो आपको ये इसका लिंक कैसे मिला? ये तो मुझे नहीं आइडिया कैसे मैसेज आया और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। ओके, तो यू कंप्लीटेड योर कोर्स? जी, मैंने फाइनल सबमिशन करवा दिया और गैट टेस्ट अभी हमारा रहता है, उसका आज मैसेज आया। ओके, होप फॉर द बेस्ट फॉर योर गैट टेस्ट। थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्यूरी, एनी अदर स्टूडेंट? सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने गैट टेस्ट के बारे में पूछना था कि जो सर गैट टेस्ट होगा वो हमारा फिर ये जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें से होगा या इनमें से होगा या दोनों में से ही होगा? बेसिकली कोर्स कंटेंट ओवरऑल जो है आपका वो मैटर करता है, इफ यू आर इन अ बैच एंड यू आर स्टडीइंग दीस वीडियोस, ठीक है, देन यू मे प्रिपेयर ऑल द कंटेंट। ओके सर जी, एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर क्वेश्चन? तो सर ये जो iOS का डाटा है इसको आप यानी कि फोरेंसिक करना सिखाएंगे? बेटा iOS बेसिकली आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है, ठीक है। आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितना डाटा होता है वो बेसिकली होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है। अब उसकी जो डिक्रिप्शन लेवल है, ठीक है, उसका जो डिक्रिप्शन लेवल है वो बहुत हाई है। अगर आप iOS को फोरेंसिक करने बैठेंगे और iOS का एज यू नो के जो प्रीवियस इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, ठीक है, iPhone से रिलेटेड, और iPhone अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आप विदाउट iPhone की जो कंपनी है एप्पल है, ठीक है, आप उसकी परमिशन के उसकी एनक्रिप्शन को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आपने करना है आपको डिवाइस जो है वो जेल ब्रेक करनी पड़ेगी। जेल ब्रेक करने के लिए आजकल चेकरेन रूट चल रहा है, चेक रेन बेसिकली चल रहा है, हम उसको रूट नहीं कहते, जेल ब्रेक के लिए यूज होता है, क्योंकि एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी में जब हम इंट्रूड करते हैं तो वहां पे हमें जेल ब्रेक का लफ्ज सुनने को मिलता है, तो हमें जेल ब्रेक करना पड़ेगा, डिवाइस को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, देन वी मे मूव ऑन फॉर द फर्दर फोरेंसिक पर्सपेक्टिव। इफ यू वांट टू गो फॉर इट, डाउनलोड चेक रेन, मेक अ बूटेबल यूएसबी बाय यूजिंग 3U टूल एंड फर्स्ट make jailbreak the device, then you move on for it. So sir, अगर हमारे पास latest device है ये iOS की, brother matter नहीं करता, आपके पास technology devices, देखें cyber crime तो एक calculator से भी हो सकता है,
सर जो लेटेस्ट एडवाइस है वो ये जेल ब्रेक नहीं हो सकती, तो फिर जो उसके लिए आप लेटेस्ट एग्जैक्टली वो जेल ब्रेक नहीं हो सकती, तो उसकी एनक्रिप्शन एप्पल के पास है, ठीक है। आप अगर उसका फोरेंसिक करना चाह रहे हैं देन आपको हार्डवेयर लेवल पे मूव ऑन करना पड़ेगा, उसके ईएमएमसी को निकाल के ईएमएमसी अडॉप्टर के अंदर लगा के देन यू मे गो फॉर फोरेंसिक। अगर कैरियर लाइफ में हमारे पास यानी कि कोई जॉब में यानी कि हमारे पास कोई आता है एक आयोस डिवाइस आती है उसका फ्रेंसिस बोलते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा कैंडी आप थोड़ा सा बता दें। उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट के अंदर ईएमएमसी रीडर्स मिलते हैं, बेसिकली ऑल द डाटा स्टोर्ड ऑन ईएमएमसी चिप्स। तो आप उसकी जो है चिप लेवल फोरेंसिक होगा, आप उसकी चिप निकालेंगे, उसके अडॉप्टर में लगाएंगे, या उसके पिनआउट को मैन्युअली आप जो है सोल्ड करके अडॉप्टर के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको ईएमएमसी पिनआउट्स के बारे में बताया, डाटा 0, डाटा 1, CLK 0, CLK 1, ठीक है, जिसमें आपका सीएमडी पॉइंट है, इस तरह के पिन आउट्स होते हैं। तो आप वो पिन आउट कनेक्ट करके उसके बाद अडाप्टर से कनेक्ट करेंगे, उसको अपने पीसी में लगाएंगे, तो वो चिप आपके कंप्यूटर में माउंट हो जाएगी, देन यू मे गो फॉर फोरेंसिक एज अदर स्टोरेज डिवाइसेस। ये ऐसे जो एविडेंस है वो हमारे पास मॉडिफाइड नहीं हो जाएगा। एविडेंस मॉडिफाई नहीं हो जाएगा अगर आप उसकी चिप का एज इट इज बैकअप लेने के बाद उसके उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं एविडेंसेस की, ठीक है, और वो एविडेंसेस क्रूड एविडेंसेस से एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो मॉडिफाइड नहीं होता। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहसिन। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था सेम जैसे सुबह जो पहले जो दो कोलीग से उन्होंने जो कॉल किए सेम, एक्चुअली मैं हूँ बैच 4 का। सही, हमारा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने वीडियो सारी वॉच की हैं। मेरा प्रोजेक्ट था आई थिंक उसकी डेडलाइन थी क्योंकि मेरी ऑलरेडी एलएमएस की जो हेल्प सेंटर है उससे मेरी बातचीत चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपका टेस्ट होगा उसके बाद आपको वो वीडियोस मिलेंगी। कोई ऐसा चांस नहीं है कि हम लोग किसी तरह वो वीडियोस मिल जाए, क्योंकि मेरे पास टूल्स हैं, कुछ टूल्स की कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो मुझे उससे देख के मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, उसमें कोई गाइडेंस हो सकती है? क्योंकि मैं जो वो क्या क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है और सर हम लोग मेरी जॉब चल रही है और मेरे पास बहुत कम टाइम था, मैं उन वीडियोस को डाउनलोड उस टाइम नहीं कर सका और अब मेरा प्रोजेक्ट सारा दरमियान में है और मुझे टूल्स के लिए मेरे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है कि मैं किसी को। ब्रदर यू आर ऑन अ ट्रू वे टू कम्युनिकेट विद देयर हेल्प नंबर, बिकॉज़ दीज ऑल क्यूरीज आंसर्ड बाय द मैनेजमेंट, नॉट बाय द इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स यू कंटेंट एंड आंसर अबाउट द कंटेंट। बट मैं यहाँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि मैं बेस्ट पॉसिबल वे में आपकी क्यूरी को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा सही है, ठीक है। और सर मुझे इसके बारे में बता देंगे ये गैट का टेस्ट की क्या प्रिपरेशन हो, किस तरह उसकी होता है मुझे इसी में बताने। आपके कोर्स कंटेंट से होता है। कोर्स का टेस्ट होता है, ठीक है। और वो भी इसी तरह वो लाइव होता है, हमें किसी टेस्ट सेंटर में जाना पड़ेगा या वो भी पोर्टल के ऊपर ही होता है? ये इट्स अप टू मैनेजमेंट। टू मैनेजमेंट, ओके। तो ये मैं उन्हीं हेल्प वालों से बात करूं तो वो मुझे बताएंगे? हाँ बता देंगे आपको, वैसे बात करने की जरूरत नहीं है एज सच, बिकॉज अगर आपका ऑनलाइन होना है या ऑफलाइन होना है, ठीक है, वो आपको कुछ दिन पहले साइन कर देंगे ना, बता देंगे। लेकिन अगर फिर भी आप पूछना चाह रहे हैं तो आपका राइट है, तो आपका जो राइट है आप उसको यूज करें। सही, चलें, ठीक है सर, थैंक यू। अफीज अली काइंडली म्यूट योर माइक। अली अपना माइक म्यूट कर दी। जी, एनी अदर स्टूडेंट? हफीज अली माइक म्यूट कीजिए। जी, एनी अदर स्टूडेंट? किसी स्टूडेंट की कोई और क्यूरी है तो वो क्यूरी कर सकता है। यहाँ पे एक मोहम्मद, आई थिंक क्या नाम है आपका, मोहम्मद अब्बास है आई थिंक। अच्छा, ये पूछ रहे हैं बेसिकली
Sir, it is possible that we recover data from a restored device, particularly WhatsApp data. Yes, you may recover the data. Data किसी भी form में हो, किसी भी storage device पे once write हो गया, वो recoverable है, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको root permissions की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? आपको कोई भी operating system है, Android से related कोई भी Android का variant है, कोई भी flavor है, तो आपको उसके लिए root की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और आप उसको रूट करने के बाद जो है ना उसमें से डाटा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो चैट्स वगैरह हैं एज यू नो के वो ऐप के साथ वर्क करती हैं, तो उसका जो डेटाबेस है अगर आपके सेलफोन में मौजूद है तो तब वो आपको चैट्स उठाता है और चैट्स आपको दिखाता है, ठीक है? तो आप इस तरह से अगर डाटा रिकवर करना चाह रहे हैं तो एक लेंथी प्रोसीजर से गुजरने के बाद आप जो है वो व्हाट्सएप का डाटा रिकवर कर सकते हैं। इवन एक मोबाइल अगर ब्रोकन है और आप उसके ईएमएमसी को उतार लेते हैं तो बाय यूजिंग ईएमएमसी अडाप्टर आप उसका डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है? यस स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? हिडन फाइल्स की जब रिकवरी आप करते हैं बिलाल अहमद, तो हिडन फाइल्स की रिकवरी आप जब करते हैं तो बेसिकली कोई भी फाइल है वो आफ्टर राइट आप उसको हिडन करते हैं, ठीक है? कोई भी फाइल किसी भी स्टोरेज डिवाइस में इस तरह से कॉपी नहीं होती कि वो विदाउट जो है ना डायरेक्टली वो हिडन हो किसी भी डिवाइस के ऊपर, तो आप उसको बाद में ही हिडन करते हैं। तो अगर वो हिडन भी है वंस वो राइट हो गया तो वो हिडन फाइल्स भी वैसे ही रिकवर होती हैं, जैसे सिंपल फाइल्स रिकवर करते हैं आप, वहाँ पे दूसरा कोई ऐसा एज सच मसला नहीं आता है हिडन फाइल को रिकवर करने में, वहाँ फाइल्स की तरह ही वहाँ पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है? तो वहाँ पे क्योंकि जो है डाटा वो सेक्टर से रिट्रीव हो रहा होता है, मैटर नहीं करता उसके लिए कि डाटा की टाइप रीड ओनली है या राइट ओनली है या हिडन है, ठीक है? बाद में आप उन टाइप्स को अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं इवन के आफ्टर रिकवरी, ठीक है? जी मोहम्मद अब्रार, मोहम्मद इब्रार, मैं हमें कोई ऐसा सिस्टम मिला है जो के रिस्टोर कर दिया गया है तो डाटा कैसे रिकवर कर, करेंगे खासकर व्हाट्सएप? अच्छा जी, आप जो क्यूरीज कर रहे हैं ना ये इन क्यूरीज से आप अवॉइड करें, डियर स्टूडेंट्स आप जो क्यूरीज कर रहे क्योंकि इस तरह की जो क्यूरीज हैं वो बेसिकली डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के प्रस्पेक्टिव से इलीगल हैं, ठीक है? आप करंट यूज होने वाली किसी भी एप्लीकेशन के बारे में इस तरह से क्यूरी नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले ये क्यूरी आंसर कर चुका हूँ कि जो व्हाट्सएप है, ठीक है, या कोई भी अदर ऐप, बेसिकली मैं ऑल एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, कोई चैट ऐप है, कोई भी किसी भी किस्म की ऐप है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही है, आप उसका डाटा अगर रिकवर करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आप एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के मुताबिक आप अगर उसपे रूटेड, ठीक है, या आप अनरूटेड एनवायरनमेंट में रिकवर कर सकते हैं, ठीक है? तो अनरूटेड जो एनवायरनमेंट है उसमें जैसे अब आपका एंड्रॉइड है तो आप रूट के बगैर तो उसके सिस्टम की इफ यू टॉक अबाउट ओनली रिकवरी बिलाल अहमद देन लेट मी बेसिकली एक टूल यूज होता है रिकवरी के लिए, रिकवर माई फाइल्स है, ठीक है? इसके बाद आई थिंक कंपनी है एजस, उनके टूल्स जो आप कोई भी उनमें से टूल पिकअप कर सकते हैं जो आप चाहें। जी स्टूडेंट्स एनी अदर क्वेश्चन? जी किसी स्टूडेंट का कोई अदर क्वेश्चन?
जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। ब्रदर हम आपको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं दे सकते, ठीक है, हम आपको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स काइंडली इस चीज पे आप माइंड ना कीजिए, हम आपको अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं दे सकते। बाकी जो है हम सोशल प्रोफाइल पे होते हैं, तो आप हमसे जो है इस तरह से सिंपली व्हाट्सएप वगैरह या इस तरह कॉन्टैक्ट क्यूरी नहीं कर सकते फॉर पर्सनल रीजंस, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट और यहाँ पे हम अपने आप को कमर्शियल नहीं कर सकते। जी एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो क्यूरी कर सकता है। सीडब्ल्यू काइंडली अपना माइक म्यूट कर लीजिए और कन्वर्सेशन में आने से पहले अपने नाम जो है वो सेट कर लीजिए कीजिए ताकि हम आपको एक गुड नेम से जो है मुखातिब कर सकें। जी तो किसी भी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है? बेसिकली आपके सेशन का 1 आवर टाइम होता है और हम इस तरह डिफरेंट सेशंस के अंदर आपसे जो है इंटरेक्ट करते रहेंगे, तो आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग अपने जो कोर्स कंटेंट है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो गैट है वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके और आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से हो सके। बेसिकली आपको जो फोरेंसिक के लेक्चर्स मेरे प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेक्चर्स हैं, तो उनको आप जो है बेस्ट वे में प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको फील्ड के अंदर जो है वो अच्छा एक रिस्पॉन्स और एक फीडबैक मिल सके आपके नॉलेज के ऊपर। जी स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन?
सर मैं लाहौर यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक साइंस कर रहा हूँ, तो आगे कंप्यूटर फोरेंसिक्स कर सकता हूँ? मे आई नो के फोरेंसिक साइंस में आप आगे किस फील्ड में कर रहे हैं अपनी डिग्री? इट्स अबाउट द कंप्यूटर फोरेंसिक और जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड रियल टाइम में रियल लाइफ का जो फोरेंसिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मोहम्मद इब्रार जी सर, वो क्या नाम है इसमें कर रहा हूँ सर, वो इसमें कंप्यूटर तो नहीं होती ना बिल्कुल भी, वो बायोलॉजिकल फील्ड है ना एक तरह से। जी मोहम्मद अब्रार क्या कहा आपने? सर मैं आगे ना कंप्यूटर फोरेंसिक करना चाहता हूँ, अभी तो करंटली जो है ना वो जो फोरेंसिक साइंस का बीएस प्रोग्राम होता है ना वो कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या हम आगे कंप्यूटर फोरेंसिक आगे कैरी कर सकते हैं एमफिल इसके अंदर अगर करें तो? मैं पूछ रहा हूं ना कि आपकी जो फील्ड है आपने जस्ट मुझे फोरेंसिक साइंस का कहा है, तो फोरेंसिक साइंस के अंदर आप जो रियल टाइम में रियल लाइफ में फोरेंसिक्स होता है आप वो पढ़ रहे हैं या आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फोरेंसिक पढ़ रहे हैं? नहीं सर वो जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं रियल लाइफ की वो कर रहे हैं फिलहाल। तो रियल लाइफ की क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से आगे आप मूव ऑन कर सकते हैं, इजीली मूव ऑन कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन एक फोरेंसिक पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चला जाता है मेडिकल फील्ड में जिसमें लाइक आपका एटोप्सी आ जाती है, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है? जी जी सर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इफ यू आर सेइंग अबाउट द क्राइम एंड इंसिडेंट रिस्पांस एंड द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ऑल दीज फील्ड्स आर कंबाइंड बिकॉज जहाँ पे जुर्म होता है वहां पे जो है वो कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी अगर यूज होती है तो वहां पे फौरी तौर पे आपका जो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व हो जाता है। सर पाकिस्तान में हैं कोई इंस्टीट्यूशंस जो करवा रहे हैं सर इसे? ब्रदर पाकिस्तान के अंदर डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है ना, डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो जो आपका इंस्टीट्यूट है ना PFTP, ठीक है, उसके प्लेटफॉर्म से मैंने ही आपके लिए जो है ना वो सारा ये कोर्स कंटेंट डिजाइन किया। बेसिकली अमेरिका का एक इदारा है वो करवाता है, ठीक है, इनके अलावा तो वो बेसिकली फॉरन है सारे। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं और इसीलिए तो पाकिस्तान में इस फील्ड की मांग है, क्योंकि जिसका पाकिस्तान के अंदर जिस फील्ड से रिलेटेड कोई पर्सन नहीं होते तो किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी नेशन के अंदर तो जो लोग होते हैं जाहिर है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जी सर, हाँ हफीज आपका क्वेश्चन अच्छा है। आपको देखें डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन अगर आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर तो आप सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं मोबाइल फोन इज अनफ, बट एज यू नो लैब्स एंड प्रैक्टिकल्स के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, सो यू हैव टू बाय अ मशीन इफ यू कैन अफोर्ड। अदरवाइज लर्निंग है तो लर्निंग करने वाले तो किसी भी तरह से लर्न कर लेते हैं, उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, ना सोर्सेज मैटर करते हैं ना कोई अदर चीज। जैसे ये आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी होगी या आप एक वाकया कह लें कि सैमसंग के जो के होता है ना एक्सपीरियंस सेंटर, वहाँ पे एक बच्चा आता था टैबलेट उठाता था और डेली आता था, तो वन डे दे थिंक के ये चाइल्ड यहाँ पे डेली क्यों आता है। तो जब आता था तो वो क्या करता था कि अपना रिसर्च वर्क करता था जो अपने स्कूल से रिलेटेड है और वहीं पे रख के टैबलेट को वापस चल जाता था, अगले दिन फिर आता था। तो सैमसंग कंपनी ने फिर उसको डिफरेंट जो है वो डिजिटल गैजेट्स दिए जो उसकी लर्निंग में मदद कर सकते हैं, तो लर्निंग करने वाले किसी भी तरह से लर्न कर सकते हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन?
जी स्टूडेंट्स, आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप क्यूरी कर सकते हैं। गैट के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपके कोर्स कंटेंट से रिलेटेड ही होता है गैट, और आपके कोर्स कंटेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। जी ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी अभी कोई क्यूरी आई थिंक सो नहीं है कोर्स कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट सेशन। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगले सेशन तक के लिए। अगर अभी भी आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो ओके स्टूडेंट, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।